क्या मुकाबला चल रहा है कि स्थानीय आप निवासी किसान हैं तो कई नए नए चेहरे के भी उम्मीदवार आए हैं, तो कितना यहाँ मुकाबला लग रहा है, क्या बदलाव होने वाला है, क्या लग रहा है? नहीं, यहाँ बदलाव होने वाला नहीं है, ऐसा पैक्स है ही नहीं है। किसान के 90% का धान ही बेचारे पैक्स वाले लिए हैं। फिर भी अब तक कई किसानों के देखा गया है कि जो बकाया राशि भी देखा है, कई लोगों के हमने आरोप पैसे सुने हैं। नहीं, यहाँ एक रुपया भी किसी का बाकी नहीं है, पूरे पैक्स पैसा सबको दे दिए हैं। जो पैक्स के जो पीडीएस दुकानदार हैं, जो मिलता है राशन, उसमें कितना मतलब राशन कटौती किया जाता है? राशन जो है कटौती नहीं होता है। कितना मिलता है? 5 किलो मिलता है पर आदमी। तो क्या यहाँ कोई मुकाबला नहीं लग रहा? नहीं, किसानों के लिए इसे क्या मतलब कुछ काम विशेष तौर पर? विशेष क्या काम करेंगे, जितने भी धान वाले काम है इनका लेते ही हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो प्राप्त होता है? हाँ। और जो किसानों के धान जब खरीदारी होता है तो सबूत के तौर पर उसको क्या प्रमाण कुछ? हाँ, रसीद लेते हैं और रसीद देते भी हैं। रसीद मिला है? हाँ। मतलब कभी मिला है ना? हाँ। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार। मेरा सुदामा राम नाम है। बेलखारा में इस बार जो पंचायत को पैक्स चुनाव जो हो रहा है, उसमें क्या आपको यहाँ लग रहा है, कई नए नए चेहरे के उम्मीदवार हैं? जो पुराना है उन्हीं का ज़्यादा विकास है। किसानों के लिए खास तौर पर क्या मतलब, जो सहकारिता विभाग के द्वारा कई ऐसी योजनाएँ चलाई जाती है या कृषि विभाग के जुताई के संबंधित डिपो यूरिया ऐसा कुछ काम? वो जितना जो यूरिया और अथी सब कुछ अपना अथी सब देते जाते हैं। यूरिया जैसे कहाँ भुगतान होता है हमें? हाँ, होता है किसानों का। हाँ हाँ। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होता है कि उसमें से कटौती? नहीं, एको थोप नहीं कटौती है, थोड़ा मिलता है। तो यहाँ में का कुछ मुकाबला कैसे लग रहे हैं? मुकाबला यही है कि इन्हीं का जीत है। क्या है उनका क्या नाम है? धनंजय कुमार वर्मा। जो धनंजय कुमार वर्मा यहाँ के वर्तमान में है, तो उनका मतलब अच्छा रहा है किसानों के साथ? हाँ, किसानों के साथ एकदम पूरा 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 व्यवहार अच्छा रहा है। और आगे भी रहेगा। तो यहाँ कोई मुकाबला नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा। बेलखारा में जो पैक्स का चुनाव हो रहा है, तो क्या यहाँ पर बदलाव दिख रहा है? नहीं सर, सब वही सही है। क्यों ऐसा? क्या सब सही है? सब सही है तो ऐसा क्या मतलब कुछ भी कार्य हुआ है? सब विकास है कि सबको धान लिए हैं, सबको खाद दिए हैं, सबको सब चीज सब भरपूर ने किया। मतलब खाद सही भुगतान यहाँ मिलता है? सब सब सर, अच्छा सब चीज। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार को, उसको कितना मतलब आपको पैसा भुगतान होता है? पैसा भुगतान हमको ही पता चीज नहीं। कितना दिन में पैसा आता है? पैसा आता है 8 दिन में। 8 दिन में? 8 दिन में भुगतान होता है? 8 दिन में भुगतान हो जाता है सर। तो क्या यहाँ मतलब का बदलाव की ओर दिख रहा है, क्या लग रहा है? नहीं सर, बदलाव कुछ बदलाव नहीं है, जो अभी धनंजय वर्मा है वही रहे। मतलब उनका कार्यकाल ठीक रहा है? हाँ, कार्यकाल बहुत अच्छा है। यहाँ बदलाव किसी नहीं है सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेश कुमार चंद्र। लग रहा है किस नजर से देख रहे हैं, कई नए नए चेहरे के उम्मीदवार भी हैं। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। लेकिन देखिए, जो हमारे पहले जो अभी वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष हैं, वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं, उनसे अच्छा कोई अभी पैक्स अध्यक्ष नहीं। जो गरीबों के मसीहा है, गरीबों के बटाईदारों के जमीन के बटाईदारों के ये धान वगैरह सब खरीदते हैं, इनसे बढ़िया कौन प्रत्याशी होगा? मतलब न्यूनतम समर्थन जो बोले, बहुत 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 अच्छी, बहुत ज्यादा। यहाँ पर कोई मतलब टक्कर नहीं दिख रहा कुछ? कोई नहीं, अभी कोई इनके टक्कर में नहीं है, इनसे कोई मसीहा बढ़िया नहीं है, गरीबों के हित में बहुत अच्छा है। तो बदलाव नहीं? नहीं, बदलाव बदलाव करने लायक है ही नहीं। लोग बोलते हैं बदलाव बदलाव, लेकिन बदलाव करने लायक है ही नहीं। फिर तो इनका कार्यकाल मतलब जो किसान, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भैया। ये बहुत लोग से पूछिए, मैंने जितना बटाईदार मनीदार जो किसान है उनसे पूछिए आप। बहुत सारा ऐसा पंचायत में देखने को मिलता है जो कि धान खरीदारी जब होता है तो उसका बजाबता रसीद नहीं मिलता, जिसका किसान खमियाजा होता है कि चक्कर लगाते भुगतान के लिए। अच्छी बात, ऐसा देखा जाता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, हमारे बेलखारा पंचायत में नहीं है। जो मैंने जो भी किसान गरीब लोग बेचता है धान, उनको तुरंत पैसा हमने 2-4-10 दिन के अंदर में पैसा उनके अकाउंट पे आ जाता है। जैसे में हमारा भी मैंने कि अभी हम तो बटाईदार रहे, हम तो भूमिहीन है, लेकिन फिर भी हमारा धान मनी बहुत बहुत काफी मन जाता है, और तुरंत पैसा हमारा आ जाता है, भुगतान हो जाता है बहुत बहुत। हाँ, क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार।